जिसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो ना अपनी लाइफ में, उसके लिए पढ़ लो कि हाँ भाई मेरे को पढ़ना है। और पढ़ो भाई इस हिसाब से पढ़ो ना, सामने वाले देख के दंग रह जाए, भैया फलाना तो ऐसे पढ़ता था, रात तक पढ़ता था, सुबह उठता था 3 बजे पढ़ने के लिए, फोड़ दो एग्जाम जा। और मैं लाइब्रेरी जाता था सर्दियों में सुबह 4 बजे अपने दो दोस्तों के साथ, तो सर्दियों में सुबह 4 बजे जाना और रात को लौट के आना 10 से 11 बजे। तो वो 4 महीने जब मैंने पढ़ाई की और जब मेरा एग्जाम क्वालिफाई हुआ तो सारे दोस्त और सब फैमिली और सब जो भी रिलेटिव से सबसे यही फील हुआ कि भाई अब सारे अपने हैं क्योंकि एग्जाम निकल चुका है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष भाटी और मैं खड़ा हूँ मोटिवेशनल फैक्ट्री के मंच पे। और मैं क्यों खड़ा हूँ उसका रीजन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैंने इस बार क्वालिफाई किए हैं IUPS PO, RRB PO, IUPS क्लर्क, RRB क्लर्क और भी कई सारे एग्जाम्स। तो सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा मोटिवेशनल फैक्ट्री के मंच का, जिसने मेरे को ये मौका दिया ताकि मैं अपनी जर्नी आपके साथ शेयर कर पाऊँ। चलिए शुरू करते हैं कि मेरी जर्नी, मैंने इतने सारे एग्जाम्स कैसे क्वालिफाई किए, कैसे एग्जाम्स में टॉप किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट से लेकर 10th तक जो मैंने स्कूलिंग की वो अग्रवाल पब्लिक स्कूल में की, 11th 12th मैंने टैगोर में किया। तो पढ़ने में ठीक थे तो चलो पेरेंट्स ने भी कह दिया हाँ भाई IIT की चल ठीक है कोचिंग कर ले। तो अपन विद्या मंदिर क्लासेस में BMC बहुत फेमस थी उस टाइम पे, तो अपन सिलेक्ट विलेक्ट हुए, अपना पैसा वैसा खर्च हुआ काफी सारा, दिल्ली विल्ली गए, ड्रॉप भी किया, मेहनत भी की काफी, लेकिन IIT में सिलेक्ट नहीं हुए। उसके बाद पूछो ही मत, ये था लाइफ का पहला फेलियर जिसने भाई बताया दुनिया क्या है। इतना लोगों ने बोला, इतना दोस्तों ने बोला, सबने इतना बोला कि भाई पूछो ही मत, समझ ही नहीं आया क्या करें, रोए धोए कुछ भी ना हुआ। जो साथ के दोस्त थे कोई कहीं सिलेक्ट हुआ, कोई कहीं सिलेक्ट हुआ, अपन सिलेक्ट नहीं हो पाए, लेकिन पेरेंट्स हमेशा से हेल्पफुल रहे थे। तो भाई ड्रॉप किया मैंने और कहीं भी जो IIT JEE था वहां पे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। AIEEE में भी मेरी काफी बेकार रैंक आई और पेरेंट्स ने इतना सारा पैसा खर्च किया था, बहुत दुख हुआ, बहुत दिल टूटा, क्योंकि मेहनत तो की थी भाई, खुद को पता है कि मेहनत की है, लेकिन जब रिजल्ट नहीं आएगा तो बाकी सब सोचते हैं भाई इसने तो कोई मेहनत नहीं करी, ये तो घूमता था, ये है वो है। लेकिन पेरेंट्स हेल्पफुल थे, काफी काफी ज्यादा हेल्पफुल रहे पेरेंट्स। और उन्होंने, अब ये था कि भाई BTech तो करनी है, उन्होंने कहा चल प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन दिलवा देते हैं। तो वहां से मैंने 4 साल में BTech की, जो मैंने अपनी BTech की वो मैकेनिकल से की। आपने ग्रेटर नोएडा में कॉलेज का नाम सुना होगा, गलगोटियास कॉलेज। तो वहां से मैंने अपनी BTech की 2016 में। उसके बाद मैं जॉब कर रहा था 18 तक, एक कंपनी सुनी होगी वो भी ग्रेटर नोएडा में ही है, न्यू हॉलैंड। तो 2018 अप्रैल में मैं दोस्त के साथ शिमला गया हुआ था। तो वहां से मेरे को कभी, मैंने देखो मेरी फैमिली में कोई था नहीं, ना मेरे पेरेंट्स कहीं ऊंची पोस्ट पे थे, या फिर छोटा एरिया था बल्लभगढ़, इतना बड़ा भी एरिया नहीं है फरीदाबाद की भाई सबको बताओ कि लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना। तो मेरे को उस वक्त मालूम चला 2018 में कि CGL बैंकिंग ये भी कुछ एग्जाम्स हैं, यहाँ से इंस्पेक्टर लगते हैं, बैंकिंग में लगते हैं। तो जो कि मेरा दोस्त था विशाल, उसने मेरे को पूरी जर्नी में सपोर्ट किया, वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में था। तो उसके कहने से फिर मैंने जून में बैंकिंग की प्रिपरेशन शुरू की और अभी तक मैं काफी सारी हार्डशिप देख चुका था, लोगों के ताने और सब कुछ। और जब मैंने गवर्नमेंट का फैसला किया कि भाई अब मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, दोबारा से जॉब की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो और भी काफी काफी सारी चीजें सुनने को मिली जो कि आप सब जानते हो, सबको सुनने को मिलती है। मैं ये सारी चीजें इसलिए अभी से शेयर कर रहा हूँ क्योंकि काफी सारे जो न्यू कमर है वो भी सुन रहे होंगे, तो उनको भी धीरे धीरे जब एग्जाम्स नहीं क्वालिफाई होंगे तो सब लोग बोलेंगे, फैमिली फ्रेंड्स भाई भी बोलेंगे छोटे कि भाई तू तो कुछ कर ही नहीं रहा। तो तब मैंने जब शुरू किया जून में, तो मेरा प्री निकल गया था, मेंस मेरा 0.20 से रह गया था। जब मैंने अगले साल एग्जाम जो मैंने दिया वो भी मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ। उसके बाद तो सब ने ही बोला, लेकिन ये था कि पेरेंट्स सपोर्ट में थे, पेरेंट्स ने कहा कि चल भाई एक ट्राई और दे, अपने आप को बेहतर बना, ये मत सोच कि एग्जाम क्वालिफाई करना है, अपना बेस्ट शॉट दे, हुआ तो ठीक है ना हुआ तो ठीक है, ऐसा बेस्ट शॉट दे जो कभी ना दिया हो। तो मेरे को याद है सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर 4 महीने मैंने पढ़ाई की 2020 में, और मैं लाइब्रेरी जाता था सर्दियों में सुबह 4 बजे अपने दो दोस्तों के साथ, तो सर्दियों में सुबह 4 बजे जाना और रात को लौट के आना 10 से 11 बजे। तो वो 4 महीने जब मैंने पढ़ाई की और जब मेरे सारे जो एग्जाम क्लियर हुए IPSPO जिसमें मेरी रैंक 3 थी, तो सबके जो रिएक्शन थे वो रातों रात चेंज हो चुके थे। जो भी दोस्त कह रहे थे भैया तुम तो नल्ले हो, तो लोगों की जो ये चीज है ना ये रातों रात बदलेंगी,
लेकिन जो भी बंदा मेहनत कर रहा है भाई, वो मेहनत तो छोड़ना ही मत, अपने आप को बेटर बनाओ। सिलेक्शन, अगर तुमने सोचा है कि सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन में 1 साल भी लग सकता है, 6 महीने भी लग सकते हैं और 5 साल भी लग सकते हैं, लेकिन अपनी मोटिवेशन को अपने साथ रखो। आपके जो मोटिवेशन है वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, उनसे अच्छा कोई मोटिवेटर नहीं है, हमें उनके लिए ही हर चीज करनी है पहली बात तो। इसके अलावा यही कहना चाहूंगा कि जो भी हमें क्रिटिसाइज कर रहा है उसको नेगेटिव मत लो, उसको ना पॉजिटिव लो कि हाँ भाई ये अगर हमारे बारे में कुछ कह रहे हैं ना, तो अब तो भाई हमें करके दिखाना है। और भाई एग्जाम फोड़ो, जिस चीज के लिए ड्रॉप किया है या जिस चीज के लिए पढ़ रहे हो ना, इस हिसाब से पढ़ो कि पहले ना तो पहले कभी लाइफ में पढ़ी हो, और ना घर वाले भी अगर देखे ना कि भाई मेरा बेटा या बेटी किस हिसाब से पढ़ रहा है, वो भी बोल दे बेटा थोड़ा कम पढ़ ले। और अपने अंदर पैशन ले जाओ, ये छोड़ दो कि एग्जाम क्वालिफाई होगा नहीं होगा, सब टेंशन छोड़ दो, पढ़ो जी लगा के। पढ़ने के लिए 2 साल हो सकते हैं, 3 साल, मे भी आप में से कोई न्यू कमर हो, किसी को 3 साल भी हो सकते हैं, तो कोई डिमोटिवेट नहीं होना है कि भाई 3 साल हो चुके हैं। लेकिन जो अपना बेस्ट शॉट देना है ना, वो इस हिसाब से दो कि भाई खुद पे प्राउड फील हो कि हाँ मैंने अपना बेस्ट शॉट दिया। और भाई देखो, कोई भी चीज ना आसानी से नहीं मिलती, अगर तुम्हें कोई चीज आसानी से मिल चुकी है ना, वो ना तुम्हारे लिए बेस्ट चीज नहीं है, तुम जो बेस्ट चीज है वो डिजर्व करते हो, तो उसके लिए मेहनत करो, क्योंकि बहुत अच्छी चीज है मेहनत। और कामयाबी देर से आती है लेकिन बहुत अच्छी आती है। और जब मेरा एग्जाम क्वालिफाई हुआ तो सारे दोस्त और सब फैमिली और सब जो भी रिलेटिव से सबसे यही फील हुआ कि भाई अब सारे अपने क्योंकि एग्जाम निकल चुका है, ठीक है। तो फिलहाल मैं बैंक ऑफ इंडिया में असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड 1 हूँ, हरियाणा में ही जॉब है मेरी। और मैं भी कुछ चीजें शेयर करूंगा उन न्यू कमर्स के लिए जिन्होंने अभी प्रिपरेशन शुरू किया। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं बता सकता, लेकिन छोटी छोटी चीजें बता सकता हूँ जो आप लोग सोच रहे होंगे कि हाँ कुछ हमें फायदा हो, हम क्या पढ़े। तो देखो, आप लोग जो भी अभी तक शुरू कर रहे हैं उनमें से काफी लोग ऐसे हैं जो रात को देर तक जागते हैं, ठीक है, कि हाँ भाई हम रात को पढ़ते हैं। देखो, स्ट्रेटजी सबकी अपनी हो सकती है, कोई दिन में पढ़ता है, कोई रात में पढ़ता है, लेकिन मेरा ना पॉइंट ये है कि एग्जाम्स ना दिन में होते हैं, सुबह होते हैं, तो सुबह पढ़ना चाहिए। और सुबह पढ़ोगे ना, जब आप पढ़ रहे हो आप ये मत सोचो कि 10 घंटे पढ़ना है, 5 घंटे पढ़ना है, भाई आप ना पढ़ते रहो। आप ना किसी इंटरव्यूज पे मत जाओ कि फलाना तो भैया 4 घंटे पढ़ के IAS बन गया, भाई वो तो फलाना था, तुम कोई और हो। तुम्हें जितना मौका मिल रहा है ना, 24 घंटे हैं, 8 घंटे सो लो, 2 घंटे कुछ कर लो, अगर तुम 14 घंटे पढ़ सकते हो ना तो भाई पढ़ो, क्योंकि अगर तुम 6 घंटे पढ़ोगे और 4 साल में एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हो ना, तो इससे अच्छा है कि 14 घंटे पढ़ के 1 साल में क्वालिफाई कर लो। तो ऐसी कुछ चीजें, और जो स्ट्रेटेजी है वो मेरा चैनल है, उस पर मैंने बहुत सारे लोगों को गाइड किया है, डीकोड बैंकिंग सिलेक्शन, अगर आपको डिटेल में देखनी है तो आप वहां से वीडियो देख सकते हैं। बस मेरा यही कहना है कि भाई कोई टेंशन मत लो, जो भी लोग आपको लग रहे हैं कि भाई हमारे साथ नहीं है, चाहे वो रिलेटिव्स हो, फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, वो जिस दिन आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा वो सब आपके साथ होंगे। तो इसलिए भाई जी लगा के पढ़ लो, अच्छी चीजें टाइम लेती है, अगर टाइम जा रहा है 2 साल 3 साल, डोंट वरी, अच्छे से पढ़ो। एग्जाम क्वालिफाई होने के बाद जो भी गाली देते थे आपको सब आज अपने लगेंगे एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद। और भाई 70-80 हजार रुपए महीना कमाओगे ना, हर आपको भी प्राउड फील होगा और पेरेंट्स को प्राउड फील होगा। तो अपने लिए पढ़ो ना पढ़ो, पेरेंट्स के लिए पढ़ लो, जो भी जिसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो ना अपनी लाइफ में, उसके लिए पढ़ लो कि हाँ भाई मेरे को पढ़ना है। और पढ़ो भाई इस हिसाब से पढ़ो ना, सामने वाले देख के दंग रह जाए, भैया फलाना तो ऐसे पढ़ता था, रात तक पढ़ता था, सुबह उठता था 3 बजे पढ़ने के लिए। फोड़ दो एग्जाम जाके ना, ये मत सोचो कि यार एग्जाम देने आए प्री निकलेगा नहीं निकलेगा, इस हिसाब से जाओ भाई एग्जाम देने, मेरे से अच्छा कोई है ही नहीं, मैं इतने कॉन्फिडेंस में आया हूँ कि यहाँ मेरे से अच्छा कोई है ही नहीं, इतना पढ़ो, मतलब इतना कॉन्फिडेंस हो, अच्छा ये पेपर है, ये CGL है, इसको तो मैं अब निकाल दूंगा, इस हिसाब से पढ़ो। चलिए मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ, और एक बार शुक्रिया कहना चाहूंगा मोटिवेशनल फैक्ट्री का, जिन्होंने मुझे मौका दिया ताकि इस वीडियो से काफी सारे स्टूडेंट्स की हेल्प हो। और मैं यही चाहूंगा कि जो भी ये वीडियो देख रहा है भाई मस्त पढ़ो, आराम से पढ़ो, क्वालिफाई करो एग्जाम, फोड़ दो एग्जाम, आपको अपने आप पे प्राउड फील हो। अभी UPSC का रिजल्ट आया, बैंकिंग के आए हैं, जिन लोगों के एग्जाम क्वालिफाई हुए हैं सब अपने एरिया में किंग बन चुके हैं, मोहल्लों में, घरों में, कि भाई इनसे अच्छा कोई नहीं है, शर्मा जी के बेटे का, फलाने के बेटे का एग्जाम निकल चुका है। तो भाई बिंदास पढ़ो, बिना टेंशन लिए पढ़ो, कोई टेंशन मत लो, बस पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, मस्त रहो, थैंक यू।